मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अभी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है, लेक्चर वन। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 12 के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए बहुत इजी टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक है। जैसे बॉन्डिंग अप पढ़ते थे, पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, ऑक्सीडेशन स्टेट थ्योरी टाइप का, छोटा छोटा क्वेश्चन और फास्ट क्वेश्चन। ये हम लोग अभी लेक्चर वन स्टार्ट किए थे, जिसमें बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स और बॉन्डिंग में थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ना है, जिसमें VBT पढ़ना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ना है और CFT क्रिस्टल फिट थ्योरी, तीन थ्योरी पढ़ना है। तीनों से क्वेश्चन आता है, बट मेजर टॉपिक यही है जिसमें हम लोग को डिस्कस करना है, नियरली 135 क्वेश्चन। 135 क्वेश्चन आपको बनाना है, उसमें मैं 50 मैं कर दूंगा, 50 तक मैं कर दूंगा, बाकी आप करिएगा, रिजल्ट मैं बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर वन, VBT का सारा प्लानिंग मैंने लेक्चर वन में कर दिया कि कैसे VBT, कैसे बॉन्डिंग बनाना है, कैसे मेटल लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कैसे कोऑर्डिनेट नंबर के हेल्प से हाइब्रिडेशन निकालना है और कौन कौन से लिगेंड स्ट्रांग लिगेंड है, एग्जाम्पल भी मैंने बना दिया था। इस लेक्चर में हमें प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आप लेक्चर वन कंप्लीट करेंगे, लेक्चर वन कंप्लीट करना है। बिना लेक्चर वन को आप कंप्लीट किए हुए लेक्चर टू नहीं देखना, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपको लेक्चर वन पूरा करना है, क्योंकि ये इसका 1 to 11 पॉइंट हो गया है और इसी का आगे में 12 पॉइंट, ओनली प्रैक्टिस। स्टार्ट करते हैं, 50 तक मैं ले जाऊंगा, बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा तो 60 तक भी ले सकता हूं मैं, ठीक है। बाकी आपको होमवर्क है 135 क्वेश्चन, लेक्चर वन में मैंने बताया था कि वो कहाँ है होमवर्क, वो आपको कैसे बनाना है। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट 12 पॉइंट। मेरे पास कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम CN होल 6 3-, ये कॉम्प्लेक्स है मेरा, इसका बॉन्डिंग बताना है। बॉन्डिंग का मतलब हाइब्रिडेशन बताना है, सेप बताना है, अनपेड बताना है, पैरामैग्नेटिक बताना है, कलर्ड बताना है, सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करना है। मैंने लेक्चर वन कंप्लीट कर दिया था, उसके हेल्प से बनाना है, ठीक है। अभी लेक्चर इसको बनाने में टाइम लगेगा, बट आप अपना स्पीड ऐसे एक एग्जाम्पल में आप 10 सेकेंड रखना, 10 सेकेंड में आपको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए आप अपना 11th क्लास फॉलो करेंगे, ये CN- होता है और इसको आपको लिखना है X और प्लस यहाँ लिखना है 6-1 इज इक्वल टू ये -3, जो चार्ज ऑन आयन, ये रूल जो आपको 11th क्लास बताया गया था वो फॉलो करना है। यहाँ जैसे आप लिखेंगे तो X इज इक्वल टू ये 6, या आप ऐसे एक स्टेप और लिखना चाहें तो -6 इज इक्वल टू -3। इसमें सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 6 और -3, तो x इज इक्वल टू जो हो गया वो +3। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया +3 और क्रोमियम हो जाएगा +3 के फॉर्म में। ये है आपका 11th क्लास, बहुत सारे पॉइंट 11th क्लास से हम लोग ले रहे हैं। नाउ क्रोमियम जो है, अब 11th क्लास से हेल्प से ये बनाएंगे कि क्रोमियम हम लोग जानते हैं कि ये 24 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हुए, वो आर्गन होता है और यहाँ पे 4s1 होता है और 3d5, ये सब लोग जानते हैं क्रोमियम, फेमस क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका यहाँ अभी +3 है, तो +3 का मतलब जो हुआ कि यहाँ क्रोमियम +3 का मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, रूल जानते हैं सब, ये सारा लाइन 11th क्लास का कि रूल है कि सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहां से हटाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। सो आर्गन ये है आपका 4s0 और 3d यहां पे आपको यूज करना है 1 यहां से और 2 यहां से, 3d3 ऐसे। फिर से ये सब 11th क्लास, सारा 11th क्लास चल रहा है, फिर से देखेंगे। सो क्रोमियम +3, मैंने लेक्चर वन में वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं आता है तो मैंने कुछ वीडियो आपके लिए एक्स्ट्रा ऐड करवाया है, कुछ 11th क्लास का वीडियो 4 वीडियो आपको ऐड कर दिया है। मैंने ऑपरेटर से बोला था कि वो कर देंगे,
आपके लिए 4 वीडियोस जो आपका 11th क्लास का है, क्योंकि उसके हेल्प से ही सब कुछ बनेगा यहाँ पे। तो आप उस 4 वीडियो को देख लीजिएगा और इसको भी आप कंप्लीट करना है। जस्ट टाइम जो है 1 वीक, 7 डे के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है। एक अपने राइटिंग में बेस्ट नोट बनाना है और 2 बार 3 बार वीडियो देख करके आपको समझ लेना है। रिविजन करने के लिए आपका हैंड रिटन नोट, वो आपको रिविजन करने के लिए हेल्प करेगा। बाकी आप समझने के लिए 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए, बट विद इन अ 1 वीक। ये सारा अभी 11th क्लास चल रहा है, ये 11th क्लास चल रहा है और आप इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने का मतलब है आर्गन लिख लेंगे और 3D यहाँ पे 3 कर लेंगे और 4S 0 कर लेंगे, अपने मन से 4P 0 कर लेंगे। 4D करना होगा तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखेंगे 3D 3, आपके D में 5 बॉक्स होता है और 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखें 4S हो गया और 4P। समझना है, थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा समझना भी है। ये एकदम डिफरेंट एग्जांपल है, बहुत जल्दी में रहिएगा ना, गलती कर दीजिएगा। मैं आपको लेक्चर 1 में सब कुछ समझाया था, फिर से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। तो ये है 11th क्लास, ये है क्रोमियम 11th क्लास, यहाँ तक गए 11th क्लास, अब 12th क्लास आ रहा है। कितना लिगेंड है? 6 साइनाइड, ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए, 6 लोन पेयर, 12 इलेक्ट्रॉन, कैसा? तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये इसके पास गया, 12 इलेक्ट्रॉन लेके गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये बोला कि मेरे पास यहाँ पे आपको लिखना है 4D 0, तो लिख सकते हैं। ये बोला कि बहुत सारे रूम हैं, बहुत सारा रूम है, जाइए यहाँ पे बैठ सकते हैं, ऐसे बहुत सारा रूम है। 12 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ढेर सारा रूम है। बट आपने क्या सीखा था? ठीक है, ध्यान रखिएगा एक लाइन, आपने लेक्चर 1 में लास्ट में आपने बोला था, लास्ट पॉइंट 10th पॉइंट पे आपने लिखा था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ध्यान रखिएगा, इस लाइन को समझिएगा जरा, ठीक है। बहुत लोग गलती करता है, ये एग्जाम हर एग्जाम में आया हुआ, आईडी एडवांस में, PMT में, हर जगह पूछा हुआ, मेजर मिस्टेक। क्या लिखा था आपने? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या लिखा था? पुश, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, क्या लिखा था आपने? सेंट्रल मेटल, ठीक है। बस लोग यही जानते हैं, बस लोग सब लोग यही जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पुश अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, बस इतना इतना लोग, जस्ट ये आधा है, आधा, पूरा नहीं लिखा आपने, ये पूरा नहीं लिखा आपने, आधा ही लिखा है अभी आपने। सब लोगों को यही, बस यही पता है, फट से बोल देंगे ये जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन है, इसको इसको दबा देगा, दबा के बिठा देगा, अनपेड 1 कर देगा। ऐसा नहीं है भाई, आधा आधा नॉलेज है, आधा नॉलेज डेंजरस, हर एग्जाम में आया हुआ, मेडिकल में, आईटी एडवांस, आईटी मेन में, हर एक एग्जाम्पल में पूछा हुआ। ये देखिए, इसके आगे आधा लिखा हुआ है, पूरा लिखिए, पुश अनपेड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल, बट इसके बाद लिखवाया था अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ये पूरा है। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझना है आपको, बोलते जाइए, मतलब समझिए इसमें। फिगर देखिए, फिगर देख के बताइए आपके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। 6 का मतलब क्या चांस है? एक चांस है, हो सकता है sp3d2, या क्या चांस है, या चांस है d2 sp3। मतलब आपको d का कितना रूम चाहिए, डी का कितना रूम चाहिए? दो ही रूम चाहिए ना आपको, आपको डी में दो ही रूम ना चाहिए। या तो sp3d2 करिए, डी के 2 रूम लीजिए, या d2 sp3 लीजिए। आपको डी का कितना रूम चाहिए? दो, दो चाहिए ना आपको, तो 2 तो मिलता रहा है आपको। आप क्यों इसको दबाओगे, आप क्यों इसको पुश करोगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पुश अनपेड, आधा पढ़ते हैं, यहां तक पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पुश अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, आधा पढ़ेंगे, बोलते हैं कि इसको दबा दीजिए भाई, इसको दबा के जस्ट इसको पेयर कर दीजिए, एक अनपेड रहेगा। क्यों दबाइएगा? ये रूल क्या है? पुश अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है कि मुझे sp3d2 करना है या d2sp3 करना है, मुझे तो d के कितने रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए,
दो ही रूम चाहिए आपको, दो रूम खाली तो है यहाँ पे, एक रूम दो रूम खाली तो है, तो आपको दूसरे से क्या मतलब है, आपको दो रूम चाहिए ना आपको। हाइब्रिडेशन तो यही कह रहा है कि sp3d2 है, इससे अकेले अकेले रहने दीजिए, इससे क्या मतलब है आपको। डी का दो रूम मिल रहा है आपको, हो गया बस, दो रूम मिल रहा है तो आप यहाँ पे भरना शुरू कीजिए। तो ये नहीं कि स्ट्रांग लिगेंड है तो दबा देगा, अरे दबाता है, पुश करता है उसको, बट फॉलो करना है साइंस के रूल को, हाइब्रिडेशन को। और ये लोग नहीं जानते हैं, जो लोग ये लाइन लास्ट का लाइन नहीं जानते हैं, बस गलती कर देंगे, ऐसा सब गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सो आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। d2 sp3, देखिए यहाँ पे d2 sp3 हो गया, ओके d2 sp3। अब इसके बारे में जो चीज लिखना है लिख लीजिए वहीं पे। इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स मैंने समझाया था, डी अंदर का डी लीजिएगा तो इनर, बाहर का डी लीजिएगा तो आउटर। तो ये क्या है, तो ये इनर, इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स, इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स, और क्या, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप या स्क्वायर पाई पिरामिड लिख सकते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके चलते ये पारामैग्नेटिक, इसके चलते मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू पुट कर लेंगे, बी एम बोर मैग्नेटोन 3 पुट कर लेंगे, सो रूट 15, अंडर रूट 15 बी एम या समथिंग 3.9 3.8 कुछ भी आप लिख सकते हैं, हो गया। देखिए सारा क्वेश्चन हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग बोलते हैं अनपेड 1, क्योंकि ये स्ट्रांग लिगेंड ऐसे पुश कर देगा, पुश करेगा तो अनपेड 1, जो कि गलत हो जाएगा। पुशिंग होता है बट साइंस के रूल फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। सीखा आपने, नेक्स्ट एग्जांपल दूं, पता है ये एग्जांपल यहां से यहां तक करना आपका कितना टाइम है, आपके पास 10 सेकेंड है। ये सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, आप सोच रहे हैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, एक ऑप्शन है ये। जब चार ऐसे ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए बी सी डी, तब जाके एक क्वेश्चन बनता है। तो ये जो है फिंगर पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड ऐसे करना आप कर लीजिएगा, घबराइए मत, आप कर लीजिएगा, अभी मैं 50 प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आप कर लीजिएगा। चलिए मिटाऊं मैं इसको, मिटाता हूँ मैं, अभी इसी पे वर्क करिए, इसी पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे वर्क करिए। तो आप इस पे वर्क करिए, तब तक मैं उधर मिटाता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे अभी वर्क करिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे अभी कम से कम 5-6 और एग्जांपल वर्क करिए। आप वर्क करिए इस पे, उस पे वर्क करिए, सारा कॉन्सेप्ट इसी जैसा। चलिए आप जानते हैं साइनाइड, साइनाइड Cn-1 होता है ऐसा। आप ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे, आप ऐसे लिखना है एक लाइन, बस एक लाइन, -3 इसका आता है, छोड़ दीजिए, एक्स का वैल्यू जो है वो जानते हैं, +3। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज +3, मीनिंग मैंगनीज +3, यही मतलब है। ये सारा चीज़ें अभी 11th क्लास चल रहा है, और ये सब चीज़ें फिंगर पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे करना है। मैंगनीज यू नो 25 यू नो आर्गन 4s2 3d5, ये 18 है, 19 20 25, कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से निकलेगा तो आपको पढ़ा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से,
उसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा आर्गन 3D4 4S0 अपने मन से 4P0। ये सारा जो कुछ लिख रहे हैं अभी तक जो भी आपने यहां तक लिखा है वो सब कुछ 11th क्लास है। 1 2 3 4 ये है 11th क्लास, ये 11th क्लास है। तो यहां से ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लिखना, ऐसे लिखना, ये 11th क्लास हुआ। अब 12th क्लास आ रहा है और ये सब चीजें फिंगर टिप पे, ये 11th क्लास 1 सेकेंड इसको बोलते हैं, 2 सेकेंड इसको, 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे। तो 10 सेकंड में ऐसे ही करना आपको। नेक्स्ट 12 क्लास ध्यान से देखेंगे, 6 साइनाइट, 6 लोन पेयर, 12 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बट ध्यान रखिएगा, थोड़ा जो मैं समझाया था अभी वो समझिएगा, ध्यान रखिएगा, साइड में वर्क कर लीजिए। बोलिए इसमें, बोलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6 का मतलब या तो होगा sp3d2 या फिर क्या होगा d2sp3, मतलब आपको d2sp3 या sp3d2। d के कितने रूम चाहिए? दो रूम चाहिए आपको। d का कितना है अभी आपके पास? अभी d का कितना रूम आपके पास है? एक रूम है। समझिए यहाँ पे साइंस, समझिए। कई लोग होते हैं कि बहुत तेज होते हैं, सोचते हैं कि स्ट्रांग लिगेंड पुश, वो उठा के ऐसे बोल देते हैं, पुश कर देते हैं, बोलते हैं कि सबको पुश कर दो। अरे नहीं करना है सबको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पुश सबको नहीं करना है। आपको डी के कितने रूम चाहिए? दो ही चाहिए रूम, एक खाली है, एक रूम और चाहिए आपको। तो जितना मतलब है बस उतने पुश करिए आप, ये नहीं कि सबको उठा के पुश कर दीजिए, ये उसको उठा के भेजिए, इसको एक को भगाइए। कई लोग होते हैं उठा के बोलते हैं अरे स्ट्रांग लिगेंड आया है, सबको भगाओ भगाओ भगाओ। क्यों भगाओ भाई? स्ट्रांग लिगेंड क्यों भगा दो, क्यों पुश कर दोगे? पुश करोगे अकॉर्डिंग टू क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। डी के दो रूम चाहिए आपको, दो रूम लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं अनपेड जीरो हो गया, जीरो नहीं है भाई, आपको पुश करना है बट अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जब पुश करेंगे आप ऐसे, इसको छोड़ दीजिए इसको। आपको डी में दो रूम चाहिए, दो रूम आपको मिला ना, छोड़िए उसको। 12 इलेक्ट्रॉन आप फिलिंग करिए, 12 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। और इसको बोलिए d2sp3। बाकी जो चाहिए वो लिख दीजिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। बहुत सारे लोग गलती करके आएंगे, बहुत सारे लोग एग्जाम में बोलते हैं कि स्ट्रांग लिगेंड पुश करेगा, चार है, चारों दबा देगा, दो एक इधर जाएगा एक इधर आएगा, अनपेड लोग बोल के आता है जीरो। कैसे जीरो हो गया? जैसे जीरो करेंगे निगेटिव मार्किंग, गया आपका क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ये समझना है आपको। चलिए यहां लिखेंगे d2sp3, डी पहले आया है तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आगे बोलते ही ऑक्टाहेड्रल शेप, सो ऑक्टाहेड्रल शेप, इसका शेप कैसा है? तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसके चलते ये हो गया पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट करेंगे √8 bm, 2.41.41 2.82 हो गया। देखिए सब क्वेश्चन कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो d2sp3 कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। शेप कैसा है, तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाईपिरामिडल शेप है। अनपेड कितना, तो 2, उसके चलते पैरामैग्नेटिक, उसके चलते मैग्नेटिक मोमेंट। ये सब क्वेश्चन, टाइम बस आपको 10 सेकंड, ये ध्यान रखना है। 1 सेकंड इधर के लिए, दूसरा सेकंड इसके लिए 11th क्लास के लिए, उसके बाद जो 8 सेकंड बचा वो इसके लिए कि सोचने के लिए कि स्ट्रांग लिगेंड है, कैसे जाएगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसके बाद एक बार फिगर ब्रेन में बना, आप सब कुछ बना दीजिएगा।
14, इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, एफ ई मान लीजिए यहाँ पे एफ ई कर दिया, सब कुछ सेम सब कुछ सेम सब कुछ सेम। देखिए यहाँ पे एफ ई, एफ ई प्लस 3 आर एन, ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए आर एन, देखिए देख लीजिए 26 देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, आर एन प्लस 3, आर एन प्लस 3 समझ लीजिए 3, 5 ऐसे, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ से 1 यहाँ से 35, ओके 35 का ये फिगर है। अब ये आया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कितने रूम चाहिए आपको डी का, दो रूम चाहिए आपको, दो रूम चाहिए, दो रूम के लिए ये सबसे पहले इसको भगाएगा, इसके बाद इसको भगाएगा, इसको अकेले छोड़ देगा, इसको अकेले छोड़ देगा, अकेला छूट गया, बाकी सब अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, सब कुछ सेम सब कुछ सेम। यहाँ चेंज अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट रूट 3 1.73। अब आप स्टॉप करके नोट कर लीजिए, देखिए 2 सेकंड लगा मुझे करने में, सब कुछ सेम सब कुछ सेम सब कुछ सेम, बस कॉन्फ्यूज है, 11th class ये लाइन बस 12th class। स्टॉप करके नोट करिए, नोट करते रहना है, स्टॉप करके आराम से नोट कर लीजिए, फिर से मैं तो यहाँ थोड़ा तेज चलूंगा, बट आपके पास ऑप्शन है ना, आप स्टॉप करके नोट कर सकते हैं, फिर से देखिए 15 कोबाल्ट सब कुछ सेम देखिए देखिए ध्यान से कोबाल्ट ध्यान से देखिए कोबाल्ट थ्री इलेक्ट्रॉन निकालना है वेट करिए कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन में 2 यहां से 1 यहां से 3d6 वेट करिए कौन आया स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, दो डी के दो रूम चाहिए, ये इसने इसको पुश कर दिया, इसने इसको पुश कर दिया, दबा दिया तो ये सारा लोग पेयर सब कुछ सेम अनपेयर्ड 0 अनपेयर्ड 0 का मतलब डाईमैग्नेटिक हो गया, ये डाईमैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट 0 वीडियो स्टॉप करके नोट करिएगा स्टॉप करके। देखिए मैंने साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड का रोल बताया, कैसे पुल करना है, कैसे पुश करना है, फॉलो करना है हाइब्रिडाइजेशन, ये नहीं कि अपने मन से बस पुश कर दिया, ऐसे नहीं, फॉलो बाय हाइब्रिडाइजेशन। चारों एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, सारे एग्जाम में आया हुआ है, और आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये एक 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, कई लोग सोचते हैं कि वो ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा भैया ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 10 सेकेंड एग्जाम में मेडिकल में आया हुआ है, पता है क्या आया हुआ मेडिकल में, देखिए आप नोट कर लीजिएगा स्टॉप करके, क्योंकि आपके पास है ऑप्शन, आप वीडियो को आराम से स्टॉप कर सकते हैं, समझ के नोट कर सकते हैं। रुकिए क्वेश्चन क्या आया था, 15 पॉइंट हो गया मेरा, क्वेश्चन ये आया था ऐसे पीएमटी क्वेश्चन है, देखिए नंबर 1 सीआर सीएन 6 3 माइनस, नंबर 2 मैग्नीज सीएन 6 3 माइनस, थर्ड आयरन CN 6 3 माइनस, फोर्थ कोबाल्ट CN
सिक्स, थ्री माइनस, ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये देखिए ये पीएमटी क्वेश्चन है, ये मेडिकल क्वेश्चन है, आईडी मेन का क्वेश्चन है, एडवांस का भी नहीं है, ये नहीं कि एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये है आपका 40 सेकंड का क्वेश्चन, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, और बहुत जब पावरफुल बहुत एकदम एक्सपर्ट रहेंगे तब आप एकदम ऐसे मन में, कई लोग ऐसे मन में वन सेकेंड जस्ट क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री सेकेंड, दूसरा सेकेंड है कॉन्फिग्रेशन, कॉन्फिग्रेशन है जस्ट आर्गन फोर एस जीरो थ्री डी थ्री, और थ्री डी थ्री थ्री हो गया, बाकी स्ट्रांग आएगा तो दोनों में भर जाएगा, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन थ्री, बहुत फास्ट रहेंगे तब जाके ऐसे रिलेट कर लेंगे कि अनपेड टू, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ वन और अनपेड यहाँ इलेक्ट्रॉन जीरो, इस तरह ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हुआ वन और ये है टू और ये थ्री और फिर ये फोर, तो आपको जो लग रहा था, आपको ऐसे लग रहा था कि ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन वोश्चन नहीं है, वो बस एक ऑप्शन है, आपका ब्रेन इतना तेज रहना चाहिए कि जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वन सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू सेकेंड और स्ट्रांग लिगेंड थ्री सेकेंड, टोटल आपको रीअरेंज करने में 10 सेकेंड के अंदर आप जस्ट ब्रेन में सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन है, आईडी एडवांस में तो 10 क्वेश्चन आता है, 10 सेट रहेगा, उसमें पूछेगा कि खोजिए उसमें पैरामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक कौन सा है, ऐसे रहता है, 10 क्वेश्चन का एक पैटर्न बनता है, मेडिकल में भी रहेगा तो कोई भी मान ली पैरामैग्नेटिक खोजना है, डायमैग्नेटिक खोजना है, तो चार ऑप्शन रहेगा ना भाई, तो चार बार सॉल्व करिएगा ना, तो आपके पास कितना टाइम मिला, 10-10 सेकंड के लिए मिलता है आपको टाइम, तो ये नहीं कि मैं यहाँ से ये तो समझाना है, मुझे पढ़ाना है, आपको सिखाना है, इसलिए आराम से मैं एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ, बाकी जब समझ जाइए आप तो प्रैक्टिस मन में कीजिए, चलिए अभी प्रैक्टिस बहुत करेंगे, तो ये मैं समझा रहा था कि ये एक अलग मैंने बताया, इसको अलग बताया, इसको अलग बताया, इसको अलग बताया, तो आपको लगा कि ये अपना अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, अरे ऐसा नहीं, सब चार ऑप्शन था, एक क्वेश्चन का चार ऑप्शन था, तो इतना तेज आपको रहना है, और रहते हैं जिनको बनना है डॉक्टर, जिनको बनना है इंजीनियर, वो रहते हैं, इससे भी तेज रहते हैं, मैंने समझा दिया, आप फट से आप बना लीजिएगा मन में, नोट करिए ये क्वेश्चन, नोट करिए, हटा रहा हूं मैं, कंप्लीट करिए इसको, ठीक है, कंप्लीट करिए, तो इसको हेल्प चाहिए आपको 10th क्लास का 11th क्लास का, तो ये हेल्प ले लीजिएगा, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्लोरीन -1 बनिए, तो इसका पूरा बनिए, इस साइड कंप्लीट करिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं इसमें, और सीखिए, सीखने के लिए तो मैं थोड़ा टाइम दूंगा, बट अप्लाई करना है आपको 10 सेकंड में, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपना ये 11th क्लास, और इसमें x लिख देते हैं, और यहाँ 6 है, और वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और प्लस यहाँ 3 है, क्लोरीन -1 होता है, इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो x -3 इक्वल टू 0 कर लेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ +3 कर देंगे, और इस तरह बताएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 करेंगे, और आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आयरन +3 ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आयरन आप +3 बना लेंगे, और अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कि आयरन हम लोग पढ़े हुए हैं ये 26 और ये है आर्गन, आर्गन हो गया, और यहाँ पे हो गया 4s2 और 3d6 18 है, और 220 हो गया, और 26
ये है आर्गन। अगर मैं इसमें से प्लस थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दूँ तो ये हो गया आर्गन, और यहाँ पे हो गया 4s0 और 3d5 हो जाएगा। ये सेक्शन पूरा सेक्शन 11th क्लास का है, ठीक है। अब 12th क्लास आएगा तो ऐसे बनाना है। आयरन जो हुआ मेरे पास यहाँ पे प्लस थ्री हो गया, ठीक है। अब मैं ऐसे बना रहा हूँ कि यहाँ आर्गन, ठीक है। ये है 3d5, 3d5 होगा। 3d5 कैसा होता है तो ऐसे फिगर बनाना है, 1 2 3 4 5, 3d5 हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 4s0, 4s0 ऐसे बना लीजिए। अपने मन से 4p0 ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जानते हैं कि फोर्थ ऑर्बिट में 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है। तो जीरो लिखने में क्या फ़र्क पड़ता है, ये 4s0, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट तक तो आपका कवर कर रहा है आयरन, और फोर्थ ऑर्बिट में 4s भी होता है, 4p भी होता है और 4d भी होता है। जीरो लिख दीजिए, 4d0, ऐसे ऐसे ब्लॉक बनाना है मुझे, ऐसे इस तरह बना दिया मैंने। अब रुकिए, अब गेस्ट को बुला रहा हूँ मैं। गेस्ट कौन सा लिगेंड है, तो वाटर है। कितना है, 6 6 वाटर। 6 वाटर का मतलब 6 लोन पेयर। ये है कितना इलेक्ट्रॉन लाया, 12 इलेक्ट्रॉन। कैसा लिगेंड है भाई, तो वीक है। कैसे पहचाने वीक लिगेंड है, इसलिए कि हम लोग साइंस में जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो तीन ही होता है। लेक्चरों ने बताया था, CO है, CN है और NO2 है, NO2 माइनस नाइट्राइट आयन। तीन ही स्ट्रांग है, बाकी उसको छोड़ के सब वीक है, ठीक है। तो ये वाटर जो है ये डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर डोनेट करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, वीक लिगेंड है। जब ये वाटर जाएगा इसके पास अपने 12 इलेक्ट्रॉन को ले करके, तो वीक वीक लिगेंड, वीक लिगेंड को जहाँ जगह दीजिएगा वहाँ बैठेगा। ये बोलेगा आयरन कि देखो भाई ये सब रूम में तो लोग बैठे हुए हैं, ये सब रूम तो खाली नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। आप ऐसा करो कि ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है, तो वो बोलेगा कि आप वीक हो तो आप उधर चले जाओ, इधर जहाँ खाली खाली जगह है वहाँ जाके ऐसे बैठ जाओ आप। तो उसको बोला जाएगा कि आप चाहिए उधर किनारे जाके बैठ जाइए, जो जो जगह मिल रहा है आपको, क्योंकि ये रूम फुल है। वही स्ट्रांग रहता तो स्ट्रांग बात नहीं मानता, स्ट्रांग पुश कर देता है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। बट वीक है तो वीक जस्ट जहाँ बोला जाता है वहाँ बैठ जाएगा। वीक गया, जाके यहाँ बैठा, और जब बैठने के बाद अब आप इनको ऐसे जोड़ेंगे तो ये बन गया साइंस में एस। फिर क्या बना, पी। पी का कितना रूम, 3। डी का कितना रूम, 2। sp3d2 लीजिए, sp3d2 हो गया। और इसके बारे में आप सब कुछ लिख सकते हैं, sp3d2। डी बाहर का लिया है आपने, डी इधर का लिया है, तो आउटर ऑर्बिटल बन गया। अंदर से लेते इधर से तो इनर ऑर्बिटल। पूछता है पेपर में कि खोजिए आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, तो इसके बारे में बोलेंगे। ये तो आउटर ऑर्बिटल हो गया, ये तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, और क्या, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। सो ऑक्टाहेड्रल शेप है, या स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप है, और क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें तो 5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यूपीई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा है मैंने। इसका मतलब ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया, यस पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मोमेंट तो अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 होता है, सो मैग्नेटिक मोमेंट तो √35 bm हो गई। देखिए इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको, है ना। और यही सब एग्जाम में रहता है कि हाइब्रिडेशन पहचानिए, आउटर पहचानिए, शेप बताइए, ऑक्टाहेड्रल शेप है, अनपेयर्ड देखिए, पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट, यही पेपर में यही सब रहेगा आपको। सो बहुत आसान है, खूब प्रैक्टिस करना होता है। ये 11th क्लास में एक्सपर्ट प्रॉब्लम हो, अगर 11th क्लास में, मैंने वीडियो 4 वीडियो बोला है कि ऑपरेटर को कि आप अपलोड कर देंगे, बेसिक केमिस्ट्री का 4 वीडियो अपलोड कर देंगे। इन सब चीज़ों को सीखना हो तो आप 4 एक्स्ट्रा वीडियो और अपलोड कर देंगे। वो 11th क्लास का वीडियो है, 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए हो रहा है। वो ऐप पे सारा एकदम एक एक चीज़ें जैसे 11th क्लास में पढ़ते थे वैसे ही चल रहा है। तो ये पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, अगर स्टिल आपको रिविजन करना हो तो वो 4 वीडियो एक्स्ट्रा डालेंगे इसमें, 16, 17। सो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं खूब प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। 6 खूब आता है, उसके बाद 4 आएगा, 5 बहुत कम है।
स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने 11th क्लास को। सो फ्लोराइड आप जानते हैं, फ्लोराइड तो फिक्स है, -1। स्टार्ट करिए, कोबाल्ट है, कोबाल्ट को एक्स कर लेंगे, 6। फ्लोराइड है -1, इक्वल टू -3 ऐसे। सो एक्स -6 इज इक्वल टू -3। तो एक्स इज इक्वल टू इधर करेंगे 6 -3, एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो गया +3। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट +3, मतलब हो गया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ये हो गया आपका 11th क्लास। इसके आगे भी 11th क्लास है, यू नो कोबाल्ट 27। 27 का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 हो गया, 4s2 ये हो गया 20, और 3d7 आप पढ़े हुए हैं। अगर इस कोबाल्ट से आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो सबसे पहले निकलता है 4s से, तो आर्गन सबसे पहले यहाँ से निकाल देंगे, 4s0, फिर यहाँ से निकाल देंगे 3d6। एक यहाँ से निकालना है, दो यहाँ से निकालना है। ये है 11th क्लास, जिसको कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड में कंप्लीट करना है। बाकी 12th क्लास इधर है। तो 11th क्लास पहले खूब अच्छा आना चाहिए, उसी के हेल्प से हम लोग 12th क्लास बना रहे हैं। सो आप यहां पे बनाएंगे कोबाल्ट और ऐसे बनाएंगे +3, और इसको लिखेंगे कुछ ऐसे कि आर्गन हो गया, और फिर आप लिखेंगे यहां 3d6। 3d6 को आप प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, 3d6 को आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसे प्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5 6, 3d6 हो गया। फिर लिखना है यहाँ 4s0, फिर लिखना है 4p0, फिर लिखना है यहाँ पे 4d0। ऐसे लिखना ज़रूरी है, मैं एक बार वीडियो देखूंगा कि कहीं चीज़ें कट तो नहीं रहा है यहाँ पे, ये 4D कटना नहीं चाहिए। ठीक है, सब आ रहा है, सब रेंज में है। अब आइए, ये है ये पूरा पार्ट, ये पार्ट 11th क्लास, ये 11th क्लास, यहाँ तक 11th क्लास हुआ। अब 12th क्लास से स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास क्या है हम लोग का, तो 12th क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। 6 है फ्लोराइड, 6 जो है लोन पेयर है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन। कैसा है भाई, वीक लिगेंड है। कैसे जाने वीक लिगेंड? वीक लिगेंड इसलिए जाने कि हम तो साइंस में पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं साइंस में कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइंस में 3 ही है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड 3 ही है, CO, CN और NO2-, यही 3 है। इसको छोड़ के बाकी सब लोग वीक हैं, ये जानते हैं, इसलिए ये वीक में आ गया। अच्छा, ये गया इसके पास गया कि भाई मैं गेस्ट बन के आ रहा हूँ, 12 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूँ। वो बोला कि आप तो वीक लिगेंड हैं, तो वीक लिगेंड जहाँ जगह है वहाँ देख के बैठ जाइए, ये तो रूम भरा हुआ है। तो बोला कि आपके पास जो जगह जहाँ जहाँ दिख रहा है, जाइए वहाँ खाली जगह पर बैठ जाइए 12 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जाके बैठ गया, जैसे ही ऐसे बैठा आपका साइंस कंप्लीट हो गया 12 प्लस। अब यहाँ पे जाके ऐसे सब कुछ लिख देना है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ काम मेंटल इमेज बनाइए ब्रेन में, ऐसे जस्ट 1 सेकंड में ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा सेकंड में ये सब कॉन्फ़िगरेशन, और फिर नेक्स्ट सेकंड में ये 12 प्लस का कॉन्सेप्ट। वीक लिगेंड है, जस्ट वहाँ चला गया, हाइब्रिडेशन हो गया यहाँ पे, sp3d2, आउटर ऑर्बिटल, डी बाहर का है, बाहर का आपने लिया है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ, बाहर कॉम्प्लेक्स हो गया आउटर ऑर्बिटल। सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया और ऑक्टाहेड्रल, सो ऑक्टाहेड्रल शेप, सिर्फ इसका ऑक्टाहेड्रल होगा, बाकी प्लानिंग कर लेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 4, पारामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 होता है, बीएम होता है, सो मैग्नेटिक मोमेंट
अंडर रूट 24, ये सब सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कैसा कॉम्प्लेक्स है, हाइब्रिडेशन कैसा है, फिर आपका कैसा ऑर्बिटल हुआ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है, ये स्क्वायर बाईपिरामिडल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4, ये तो पेयर्ड है ऐसे, उससे पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए इसको ऐसे भी लिखता है लोग, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, सो ये टर्म भी लिखा जाता है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। बीएम जो है, बोर मैग्नेटोन जो है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, हो गया। नेक्स्ट, खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, खूब प्रैक्टिस, एक्सेप्शन भी है इसमें, ये नहीं कि बस ऐसे पढ़ते जाएंगे सब चीज होते जाएगा, नहीं, एक्सेप्शन भी है, वो मैं समझाऊंगा। आज तो पहले कोशिश करते हैं सारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं और फास्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एक्सेप्शन बताऊंगा। 17 18, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और करिए। सो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का हेल्प लेना है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -1 हुआ, और अमोनिया तो खैर न्यूट्रल होता है, तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। चलिए आप स्टार्ट करिए, बनेंगे तब तक मैं मिटाता हूँ, तब तक आप वर्क करिए, 11th क्लास का तो वर्क कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको अगर आप x लिखते हैं और प्लस यहाँ पे लिखते हैं 6, अमोनिया तो होता है 0, प्लस यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 3 और -1 इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो आ जाएगा +3, इस तरह हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो गया वो +3, और ये हो गया क्रोमियम +3 ऐसा। नेक्स्ट देखेंगे, आप जानते हैं क्रोमियम 24 है, और 24 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा अलग होता है, क्यों होता है सब कुछ पढ़ाया हुआ आपको, 4s1 और 3d5 होता है, और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो क्रोमियम 1 2 3, आर्गन हो गया, एक यहाँ से निकालना है, दो यहाँ से निकालना है, सॉरी एक यहाँ से निकालना है, दो यहाँ से निकालना है, 3d3, आप फिगर बनाते हैं यहाँ पे। सो ये क्रोमियम +3, और जब आप फिगर बनाएंगे तो आर्गन यहाँ आप लिख लेंगे 3d3, 3d3 में तुरंत आप फिगर बना दिया कीजिए, तुरंत ऐसे आपके पास है 5 बॉक्स, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट 4s0, फोर पी जीरो, फोर डी जीरो, जैसे सब में बनाते हैं उस तरह इसमें भी बना लीजिए। हो गया आपका, ये है 11th क्लास, यहां तक ये सारा 11th क्लास हुआ। अब स्टार्ट करते हैं 12th क्लास, ये कह रहा है यहां पे 6 अमोनिया का मतलब 6 लोन पेयर, टोनर है, लिगेंड है, डोनर ऑफ लोन पेयर होते हैं, तो 6 है तो 6 लोन पेयर, 12 इलेक्ट्रॉन, बट है तो ये वीक लिगेंड, ये है एक वीक लिगेंड है, और अगर वीक लिगेंड है और वीक लिगेंड यहाँ गया इसके पास, तो बोलेगा कि जहाँ जगह आप देख रहे हैं वहाँ बैठ जाइए, तो ये बोलेगा कि मुझे तो यह जगह दिख रहा है, यहाँ खाली दिख रहा है, तो बोलेगा कि बैठ जाइए, खाली है, रूम है, तो बैठ जाइए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बोलेगा कि बैठ जाइए, और जब बैठ गया सारा साइंस आ गया आपके सामने, सब कुछ आ गया, आप जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ लिख सकते हैं। जैसे ही बैठा आप देखते बोलिएगा, अरे ये तो D2 है, पहले D यूज किया गया है, फिर sp3 है, देखिए तो कब यूज करना है sp3 d2, कब यूज करना है d2 sp3, अपने आप पता चल जाएगा, जैसे ड्राइंग लिखेंगे अपने आप सब कुछ आ जाएगा।
लिखें इसके बारे में कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में लिख लीजिए कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये ऑक्टाहेड्रल शेप हुआ, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया। नेक्स्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 यहां से चेक कर लीजिए, उसके चलते ये पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गया अंडर रूट एन एन प्लस 2 और बी एम अंडर रूट 15 बी एम। सॉरी 3.87 हो गया रिजल्ट, सब आ गया इसके बारे में। नेक्स्ट ये भी हर एग्जाम में पूछा हुआ, हर एग्जाम में पूछा हुआ। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे ही हूँ, देखिए 9 क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 से। सो 11.11, 12, 13, 14 करते हुए बहुत सारा क्वेश्चन नंबर 6 में कर दिया। ये भी बहुत एग्जाम बहुत फेमस है, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ, हर एग्जाम में ये पूछा हुआ। बनिए तो आप स्टार्ट करिए, कार्बन मोनोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। आप वर्क करिए, मैं यहाँ मिटाता हूँ तब तक। फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ये क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स 6 कार्बन ऑक्साइड 0 इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया वो 0। कोबाल्ट आप जानते हैं कि कोबाल्ट जो होता है वो 27 है, और 27 का मतलब हुआ सॉरी कोबाल्ट आर्गन 4s 2 और 3d 7 ये है कोबाल्ट, आर्गन 4s2 3d7 हो गया कोबाल्ट। अब ड्रॉइंग करने दीजिए मुझे इसका, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 ही है, 0 है तो मैं ऐसे फिगर बनाऊंगा कोबाल्ट। ओ सॉरी 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 क्या कर रहा हूँ मैं, ये है कार्बन मोनोक्साइड है और क्रोमियम है, प्लीज प्लीज करेक्शन क्रोमियम, ये प्लीज करेक्ट क्रोमियम, मैं क्वेश्चन क्रोमियम पे ले रहा हूँ, मिस्टेक है मिस्टेक, प्लीज वेट। क्रोमियम यू नो 24 और 24 का मतलब हुआ आर्गन 4s1 और 3d5 ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है। ड्राइंग कर ले दीजिए मुझे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो सही है, ये प्रेजेंटेशन सही है, बट मैं ऐसा सोच रहा था कि आर्गन, जैसे कि हर क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ 3d5 4s1 4p0 4d0, मैं हर क्वेश्चन में लिखता हूँ उस तरह लिख, मैं इसको थोड़ा इधर इसको इधर करना चाह रहा था, कर सकते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए तो मैं ड्राइंग वैसे ही कर रहा हूँ। तो क्रोमियम हुआ यहाँ आर्गन, नेक्स्ट क्या है 3d5, ध्यान से ये अलग है एकदम अलग है, बट बना लीजिएगा आप, ऐसा नहीं कि टफ नहीं है, एकदम बना लीजिएगा 5 3d5 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 4s1 4s1 ऐसे 4p0 ऐसे 4d0 हर क्वेश्चन में जैसे लिखते हैं वही प्लानिंग इसमें भी रहेगा, थोड़ा नया है बट है इजी, जानते हैं आप। ये सारा लाइन 11th क्लास होगी, अब 12th क्लास आते हैं हम लोग। 6 कार्बन मोनोक्साइड 6 कार्बोनाइल 6 लोन पे
12 इलेक्ट्रॉन। कैसा कैसा लिगेंड? स्ट्रांग लिगेंड, स्ट्रांग लिगेंड, तीन ही तो स्ट्रांग है, यह है स्ट्रांग लिगेंड, ध्यान से देखिए, स्ट्रांग लिगेंड। अगर ये स्ट्रांग लिगेंड है और ये गया इसके पास और बोला कि मैं 12 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूँ, स्ट्रांग लिगेंड, ये बोलेगा खाली जगह बैठिए, स्ट्रांग लिगेंड तो नहीं मानेगा बात, स्ट्रांग लिगेंड तो पुश करेगा। और जैसा कि दिख रहा है इसमें, जैसा कि इसमें दिख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इसको चाहिए, क्या चाहिए भाई? तो sp3d2 चाहिए या d2sp3 चाहिए? तो ये तो बोलेगा कि हमको d का दो घर दीजिए, d का हमको कम से कम दो रूम दीजिए d का, क्योंकि मेरा तो हाइब्रिडेशन ये है। तो देखते हैं, ये इधर से उठाएगा, लास्ट से उठाएगा, पुशिंग पुशिंग करना है। तो ये नहीं कि लोग इसको पुश करते, नहीं, एस भी तो चाहिए आपको, एस चाहिए ना आपको, एस एस चाहिए ना आपको। तो देखिए, इसको यहाँ पुश कर दीजिए, इसको बोलिए कि चलो भाई आप इधर चलो, और इसको बोलिए कि चलो इधर चलो, दो रूम खाली हुआ, छह लोग हैं ना, छह लोग को पैक कर दीजिए, तीन रूम में बिठा दीजिए, स्ट्रांग लिगेंड है, स्ट्रांग लिगेंड तो पुश करेगा ही। और यहाँ पे क्या करिए कि स्ट्रांग लिगेंड जब पुश कर दिया, तो ये जो छह लोग हैं, छह लोग को दो दो रूम में, एक रूम में दो दो लोग करके ऐसे बिठाइए। अब आपके पास डी का दो रूम खाली हो गया, डी का दो रूम चाहिए था आपको, खाली हो गया है, एस चाहिए था, एस भी रेडी है आपके लिए, और बाकी इधर जो जगह है ऐसे ले लीजिए। अब ले चलिए, अब अपने 12 इलेक्ट्रॉन को लेकर चलिए, बिठाते हैं 12 इलेक्ट्रॉन को, बिठाते हैं 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये देखिए इस बार हो गया फिर डी अंदर वाला, d2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, डाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट 0, अनपेड 0, सब दबा के अंदर कर दिया, सब पेयर 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 बन गया, हो गया। सो लिखेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल शेप, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, डाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0, सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0, ये सब क्वेश्चन फेमस है यहाँ पे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, आईटी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन की इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, आंसर है 0। कई लोग बोलते हैं फिगर बनाइए, फिगर बना के दिखाइए, तो फिगर बनाना बड़ा आसान है, बड़ा इजी है फिगर बनाना। क्या है? ऑक्टाहेड्रल है शेप, तो ऑक्टाहेड्रल शेप आप जानते हैं, क्रोमियम कर लीजिएगा बीच में, बाकी लिगेंड है 6 लिगेंड कर लीजिए, हो गए, ये फिगर है। सो 11th क्लास काफी अच्छा रहना चाहिए, उसके हेल्प से ये छोटा सा लाइन, तो बस यही फिगर तो 12th क्लास है बस, और उसके हेल्प से सारा आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और करिए 12 20, क्वेश्चन नंबर 6 में मेरा हो गया इतना, अगर आप कर ले रहे हैं, लेक्चर 1 में भी मैंने एक बताया था क्वेश्चन नंबर 6 से, और ये अगर इतना कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत कम है, जो है वो एग्जाम में जो आता है वो एक ही एग्जाम्पल है, वो Fe CO5, Fe CO5 यही एग्जाम्पल बस है, आप यहाँ पे सब कुछ करेंगे सो 0 ही आएगा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही रहेगा, आप आयरन बना लीजिए, आप अपने से बनाइए, आप अपने से कंप्लीट करिए 26, सो 4H2 3D6, या तो आप 3D6 लिखते हैं, 4H2 लिख दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपको 6 लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कर लीजिएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 होता है तो
तो या तो sp3 d1 होता है या d1 sp3 होता है, मैंने बताया था आपको ये। सॉल्व करिए, मैं सब मिटा दूं इधर, चलिए सब मिटा देता हूं मैं। हो गया, अब नहीं क्या था मेरा आर्यन, तो ये आर्यन आपको है, यहां पे लिखेंगे आर्यन 3d6, 3d6 का मतलब ये फिगर हुआ, फोर एस टू का मतलब ये हो गया आपका 4p0, बस यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए 4d0, ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा हो जाएगा, आपको लिखना हो लिख सकते हैं आप, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप बना ही रहे हैं, लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 4d0, इसका मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लग नहीं रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है हड्डी में, लास्ट वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन आया है, तो 5 आया है, 5 कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड 5 लोन पेयर लेके आएगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, कैसा है भाई ये, तो काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब इसके पास आया, बोला कि मैं 10 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूं ऐसे। सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए क्या चाहिए, डी का कितना रूम चाहिए, एक रूम, डी का एक रूम चाहिए, एस का एक रूम चाहिए, डी का एक रूम और एस का भी एक रूम ना, एस वाले को खाली करिए तो जरा, एस वाले को भगाइए, देखिए पुशिंग करना है ना, तो पुशिंग करते समय ये सब ध्यान रखिएगा, लास्ट से दबाइएगा, हाइब्रिडाइजेशन फॉलो कर लीजिएगा ना, तो कभी दिक्कत नहीं होगा आपको, एस का दोनों में कोई भी बनाइएगा, एस का एक रूम चाहिए, डी का भी एक रूम चाहिए, तो एस के रूम को खाली करने के लिए ऐसे इसको भगाइए, बोलिए चलो इधर जाओ, इसको भगाइए बोलिए चलो इधर जाओ, इसको भगाइए बोलिए चलो इधर जाओ, ऐसे ऐसे घुमाइए, क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें एस का एक रूम चाहिए और डी का एक रूम चाहिए, पुशिंग अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ये बार बार मैं आपको बताता हूं, जब आप इसको पुश करेंगे तो आप देखेंगे, एट 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह हो गया, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन को आप फिल करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, यह है डी एस पी थ्री, देखिए डी हुआ पहले फिर एस पी थ्री, डी एस पी थ्री, मैंने बोला था दो ऑप्शन रहता है उसमें से कोई एक आएगा, तो डी एस पी थ्री आ गया, DSP3 का मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डी पहले लिया है आपने, अगर डी ये वाला रहता तो आउटर हो जाता, मैं बता चुका हूँ कई बार, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सेप ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल केमिकल बॉन्डिंग, और यह लेक्चर 1 में मैंने बताया था, सेप जो है ट्रायंगुलर बना दूंगा मैं, सेप बाई पिरामिडल, ऐसा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप कर लीजिए, अनपेयर्ड 0 चेक कर लीजिए, डाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0, देखिए कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सारा रिजल्ट हो गया, फिगर आपको बनाना है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, बना लीजिए, यह है एफ ई सीओ,
देखिए केमिकल बॉन्डिंग है, कंप्लीट बॉन्डिंग, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन सब पढ़े हुए हैं। यही बढ़ते बढ़ते 50 तक जाएगा, बीच में बहुत सारे आईटी क्वेश्चन भी आएंगे, में एम्स का क्वेश्चन आएगा। 21 21 सेम एग्जाम्पल एनआई 5 कॉन्डिशन ऑफ 5 में बस यही है, यही बस है। सो NiCO4 NiCO4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। NiCO4 बने आप बने है? मैं यहाँ पहले आपको 11th क्लास कर दूँ, सब कुछ तो वही है यहाँ पे। NI यह 28 4H2 3D8 4H2 4P0 ऐसा कर लीजिए। जब आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो दो चांस है, या तो होगा SP3 या फिर होगा DSP2। अब दो चांस में से कौन है वो तो आपको डिसाइड करना है, आप बनाइए। मेरा काम हो गया, ये 11th क्लास का है, बाकी 12th क्लास आप बनाइए। तो आपको बनाना था NiCO4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है NiCO4। तो फिगर देखेंगे आपको, आप Ni यहाँ पे Ni हो गया और इस तरह हो गया आर्गन, और यहाँ पे लिखेंगे 3D8 ऐसे ड्राइंग कर लेंगे जरूर आप। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 3D8 का ड्राइंग आपको पढ़ाया हुआ था आपको। सो 4S 4S2 4P0 डी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डी छोड़ भी सकते हैं ऐसे इस तरह से। अब लिगेंड को लाइए, बहुत फेमस है, बहुत फेमस। ये सारा पॉइंट अभी तक 11th क्लास हुआ, अब 12th क्लास आ रहा है। कितना आ रहा है? 4 कार्बन मोनोक्साइड कैसा है? तो 4 लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसे इस पर आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन ला रहा है, ठीक है। सो रुकिए, आप हाइब्रिडेशन देखेंगे, या तो sp3 या dsp2। s तो चाहिए ना, s तो चाहिए आपको, s तो जरूरी है आपको। s खाली करिए, तो s को यहाँ से पुश करिए, s को खाली करवाइए। s खाली कराने के लिए इसमें से इसको भगाइए, एक यहाँ भगा दीजिए, एक यहाँ भगाइए। कोई भी हाइब्रिडेशन बनाएंगे, s तो जरूरी है। जब आप पुश करेंगे तो आपका फिगर देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके ऐसे। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन आया, तो 8 इलेक्ट्रॉन जैसे आया तो 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 को जब फिल करेंगे उसके बाद अब आप यहाँ पे सब कुछ लिख सकते हैं। ये आप इसको करेंगे तो ये S है और P है, तो SP3। तो मैंने बताया था कि जस आपको 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे दो चांस होता है, क्या है वो तुरंत पता चल जाएगा आपको। अब इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि फिंगर टिप से बना लें आप। चलिए अब इसका शेप जानते हैं कि टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप, इसका बॉन्ड एंगल भी आपको पढ़ा हुआ, बॉन्ड एंगल। सो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है ना, 28 मिनट। फिगर देख लेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, जिसके चलते ये डाईमैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। फिगर चाहिए आपको? फिगर तो बना लीजिएगा। NiCO4 जैसे CH4 बनाते हैं उसी तरह ऐसे बना लीजिएगा।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रटने की कोशिश मत करिएगा, यानी कि रट लीजिएगा ये आईटी एडवांस में 10 बार पूछा हुआ है, 3 फिगर है निखिल के, 3 फिगर, एक फिगर ये, 2 और मैं देता हूँ, वो 10 बार पूछा हुआ है एडवांस में, 10 बार पूछा हुआ, सोचिए कि कितने बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन ये। मैं स्कैन करके आपको मैं दिखा दूंगा कि 10 टाइम ये एक क्वेश्चन, मतलब 3 फिगर है, एक NiCO4, NiCN4, NiCl4, 3 निकल के कॉम्प्लेक्स हैं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 10 टाइम पूछे हुए हैं क्वेश्चन ये आईटी एडवांस में। तो ये हुआ आपका, यहाँ से यहाँ तक जानना था, उसके बाद आपको स्ट्रांग लिगेंड, उसके बाद अपने से ये रिलेट करना है, ये है आपका sp3 NiCO4, ये था हाइब्रिडेशन sp3 जस्ट लाइक अ मीथेन। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 22, इसका अलग आएगा, इसका अलग रिजल्ट आएगा, इसका रटना नहीं है। NiCN4 2- साइनाइड, आप जानते हैं CN-, वही कॉन्सेप्ट यूज करिए, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका लिख लेंगे यहाँ पे X 4-1 इक्वल टू -2, यहाँ से आया ये एक्स इज इक्वल टू 4-2, एक्स इज इक्वल टू +2, मतलब निकिल पे चार्ज जो हो गया वो +2। लेकिन ऐसा होता है, बट अगर जैसे इसके ऊपर +2 करेंगे तो +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये 0-0-0 हो जाएगा। ठीक, अब ये इससे लिंक कर लेंगे कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसका रिजल्ट तो आप जानते हैं, इन्हीं में से कोई एक होने वाला है। बाकी आप रिलेट कर लेंगे कि जब Ni +2 करेंगे, निखिल +2 ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे 8 हो गया, 4s0 है, 4s0 और 4p0 है, देखिए ऐसा, इस तरह से, और ऐसे समझेंगे। आप समझिए फिर से, ये कौन सा आने वाला है गेस्ट, इसको हटा देते हैं तब, नहीं तो कहीं कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसको पूरा हटा देते हैं। जरा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कितना आ रहा है 4 साइनाइड, 4 साइनाइड का मतलब 4 पेयर का मतलब कितना हुआ 8 इलेक्ट्रॉन। कैसा है भाई ये, तो ये है स्ट्रॉन्ग, कितना इलेक्ट्रॉन लेके आया, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, पुशिंग करता है, एस तो खाली है ही, एस तो मेरे पास है ही, बट पुश करेगा, डी का कितना रूम है चाहिए 1, तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसको पुश कर दिया, और इसको पुश करके ऐसे कर दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हो गया, और ये ऐसे रह गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, फिगर देख लीजिए क्या आया, ये आया डी, पहले डी आ गया, फिर क्या आया sp2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अलग हाइब्रिडेशन आ गया, देखिए उसमें भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, इसमें भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड अलग, इसलिए रटना नहीं है आपको। सो ये है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर से, और रिजल्ट देख लीजिए, अनपेयर्ड तो सब 0 है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो डाई मैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 हो गया, फिगर चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए, सेप तो ऐसे बना लीजिएगा, स्क्वायर प्लेनर में ऐसे कर लीजिएगा, NiCN4, सो CN फोर 2-, देखिए हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स है, एक और है, 3 कॉम्प्लेक्स है जो 10 बार पूछा हुआ है,
मैं फिगर स्कैन करके आपको दिखा दूंगा। कई लोगों को लगता है कि नहीं पूछता है, 10 बार कैसा आईडी पूछ सकता है। मैं आपको स्कैन करके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऐड करके दिखा दूंगा। CL4 नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ये है, थोड़ा बेटर फॉर्म लिखता हूँ। सो NHCl4 ये CL4 आप जानते हैं कि CL ऐसे करना है, इस तरह से करना है। निकालिए रूल, सब वही रूल फॉलो करिए। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालना है। सो ये हुआ X, 4 है -1 इक्वल टू, यहाँ से लेंगे तो -2 आ गया। सो X इज इक्वल टू 4 -2, X इज इक्वल टू +2। सो निकल तो रह गया +2, ये +2 हो गया। ठीक है, यहाँ से लिंक कर लीजिएगा, इसको भी लिंक कर लीजिएगा ऐसे। बाकी ये सब कुछ सेम है, वहाँ तक सब सेम रहेगा, यहाँ तक सब सेम है। यहाँ तक सब कुछ सेम है ठीक। चलिए अब प्लान करते हैं, अब प्लान करते हैं कौन आने वाला है। तो 4 क्लोराइड मतलब 4 लोन पेयर, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। कैसा है ये? ये है वीक लिगेंड, ध्यान से देखिए, वीक लिगेंड है। क्लोराइड स्ट्रांग नहीं है, वीक लिगेंड है। इस बार वीक हो गया, विक आया ऐसे, ये गया इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये बोला कि जहाँ जगह दिख रहा है वहाँ बैठिए, तो इसको बोला कि ये मेरे पास यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है। अब इसको मिला लीजिएगा, तो मिलाइएगा तो अब हाइब्रिडेशन sp3 आ गया। चेक करिए sp3, ये हाइब्रिडेशन हो गया sp3। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। इसका सेप टेट्राहेड्रल हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, जिसके चलते ये पारामैग्नेटिक हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट √8 आ गया, या मैग्नेटिक मोमेंट जो है 2.83 ऐसा। ये तीन कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से बता दूंगा इनको। सो फिगर बना लेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, 2 माइनस लगा देंगे, ये फिगर। हाइब्रिडेशन बना लेंगे यहाँ पे, निकल के ये तीन कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेडिकल में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको 10 टाइम मिल जाएगा, आईटी एडवांस में 10 बार मिल जाएगा ये। दो और करते हैं 25, फिर ब्रेक करेंगे क्लास को। तो दो और करके फिर नेक्स्ट क्लास और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बट ये एक बार लिख जरूर लेंगे इन तीनों कॉम्प्लेक्स को। ये जो तीन कॉम्प्लेक्स है जो सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है, शॉर्टकट में आप केवल ऐसे लिख लेंगे। मैंने आज आपको सिखाया है कि NiCO4 ये कॉम्प्लेक्स है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल का 0 आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, फिगर बना के दिखाया था, sp3 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आया था, ये है डाईमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट 0। फिगर भी मैंने दिखाया था आपको कि ये फिगर ऐसे बनता है कुछ। तो एक ये कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ ये ऐसे, इसी का दूसरा ऐसे कॉम्प्लेक्स यहाँ देख रहे हैं कि Ni और Cl4 और 2- वो सामने बना हुआ है आपका। इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 था, बट इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, जिसके चलते ये पारामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट √8 आ गया था Bm, और ये भी sp3 है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स ये है, नेक्स्ट ये
इसको आप कहिएगा तो मैं स्कैन करके दिखा दूंगा। 10 टाइम मेडिकल, 10 टाइम इंजीनियरिंग, सिर्फ ये 3 कॉम्प्लेक्स जो है वो 10 बार आईटी एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं। NICN4 बोर्ड में भी खूब आता है, खूब बोर्ड एग्जाम में आएगा आपको, आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा मिलता ही। इसका हाइब्रेशन है DSP2, क्यों है उसका सब कुछ मैंने समझा दिया था। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 था, ये डाई मैग्नेटिक था और मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी 0 था, बट ये था स्क्वायर प्लेनर। ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये 3 कॉम्प्लेक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये 10 टाइम्स आईटी एडवांस में पूछा हुआ। ये 3 कॉम्प्लेक्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कई बार इनडायरेक्ट पूछता है, बट रहेगा कॉन्सेप्ट ये, यही 3 कॉम्प्लेक्स है। निकल के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये कॉम्प्लेक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल में। 10 टाइम्स इन आईडी एडवांस, 10 टाइम्स इन PMT, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका। ये 3 कॉम्प्लेक्स जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आईडी में कई क्वेश्चन इनडायरेक्ट मिलेगा, बट है ये 3 कॉम्प्लेक्स। चलिए मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब प्रैक्टिस कराऊंगा आईटी क्वेश्चन तो कराना है मुझे, तो मैं स्कैन करके एक बार दिखा दूंगा कि देखिए 10 बार पूछा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन और कर लें हम लोग, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। अब तो इतना करने के बाद प्रैक्टिस हो गया होगा, 23 हो गया, आप नोट कर लीजिएगा इसको, 24 25। रटिएगा मत, मैंने कभी भी इसको रटने के लिए नहीं बोला, वो आप अपना स्पीड मेंटेन करिए कि चीज़ों को इमेजिन करके बनाने का आदत डालिए, जैसे मैं इमेजिन करके, क्योंकि अब मैं 2 एग्जांपल आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आप इमेजिन करके बनाएंगे। 24 और 25 कुछ नहीं लिखूंगा, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन देके छोड़ दूंगा। सो 2 एग्जांपल दे दिया मैं, और मैं आपको बोला कि अब इमेजिन करिए, और मैं इसमें इमेजिन कर रहा हूँ। इमेजिन किया तो ये आ गया +2 +2 में हो गया आपका 4S1, 3D 3D 9 हो गया, 3D 9 हो गया, SP3 है। मुझे सब कुछ इसको बस ऐसे देखा, एक सेकंड में देखते समझ में आ गया, सब चीज़ पता चल गया कि ये SP3 है, टेट्राहेड्रल है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका 1 है, ये पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट √3 है, √3। लोग बोलते हैं कैसे कर लिया आपने, आपने किससे इतना जल्दी कर लिया, और आप भी कर लोगे, आप नोट करिए मैं बताता हूँ। मैंने बताया कि इसको आप डायरेक्टली इमेजिन करके बनाइए, और इमेजिन करिएगा तो आप जानते हैं कि क्लोरीन SCl-1 होता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बनाएंगे तो 1 सेकेंड में +2 हो गया यहाँ पे। और अगर आप कॉपर +2 बना रहे हैं तो कॉपर +2 आपको जानना चाहिए कि इसका मतलब हो गया आर्गन, ठीक है, और यहाँ हो गया 3D9 हो गया, ठीक है, और 4S0 4P0 हुआ, ठीक है, ऐसे। बाकी आप देखिए ऐसे 4 क्लोराइड है, मन में सोचिए ना, 4 लोन पेयर, 4 लोन पेयर का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा है भाई, तो ये है वीक। तो ऐसे मन में सोचिए कि जब वीक गया, ये 3D9 को डिस्टर्ब मत करिए ना, ऐसे 3D9 को मत डिस्टर्ब करिए, ऐसे 3D9 है, 9 आप जानते हैं फिलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको डिस्टर्ब मत करिए। वीक है तो वीक इस घर में चला जाएगा, वीक के लिए ये जो खाली जगह है उसमें आपको भेज दीजिए, और जब खाली जगह में वीक को भेजिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल मत डिस्टर्ब करिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मन में सोचिए ये हो गया आपका SP3, टेट्राहेड्रल हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 हुआ, पैरामैग्नेटिक √3। मन में ऐसे सोचना है,
जैसे वो फिगर है, उस फिगर में आप जस्ट अपना ये जैसे मन में मैं सोच रहा हूँ, तो यहाँ जिंक हुआ प्लस टू हुआ, जिंक प्लस टू का मतलब 3D10 हो गया, सब कुछ यहाँ पता चल गया। यहाँ इसका हाइब्रिडेशन देखते पता चल रहा है कि SP3 है, टेट्राहेड्रल है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका जीरो आ जाएगा, ये है डाई मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। देखिए ऐसे तो कुछ सेकेंड में आप बना सकते हैं, और आप ही कर लीजिएगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं आप, आपको थोड़ा सा 11th क्लास में एक्सपर्ट रहना है। अमोनिया जानते हैं, अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जीरो, सल्फेट, सल्फेट होता है -2, आप सब चीज़ पढ़े हुए हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। जिंक +2 क्या होता है, ये क्लास में आपको 11th क्लास में कितना बार पढ़ा हुआ है कि ये इसका मतलब हुआ आर्गन हो गया, आर्गन के बाद यहाँ 3D10 हो गया, और 4S2 था तो 4S0 हो गया, 4P0 हो गया। अब ये तो 10 तो फुल है, D10 तो भरा पड़ा हुआ, ये तो इसको तो डिस्टर्ब मत ही करिए आप, D10 है, भरा है एकदम, पूरा फुल है ये पूरी तरह से फुल है, पूरा ऐसे फुल है। मन में ये सब सोचिए ना भाई, मन में ही हम लोग कर रहे हैं इसको सब, तो इसलिए मैंने दो एग्जांपल फास्ट बताया कि लास्ट में कम से कम आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करिए ना, ये सब चीज़ें मन में सोचिए। अब है 4 अमोनिया, है 4 अमोनिया हुआ तो 4 अमोनिया गया, 4 लोन पेयर ले करके गया, 8 इलेक्ट्रॉन लेके गया, और ये तो है तो वीक ना, सो वीक है, तो ये जब गया इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो ये बोला ठीक है जहाँ जगह दिख रहा है खाली खाली जगह बैठा दीजिए, तो खाली खाली जगह पे बैठाइएगा तो बन गया यहाँ SP3, चेक कर लीजिए टेट्राहेड्रल, ये पूरा फुल है, अनपेड जीरो, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक पॉइंट जीरो। तो आप भी आदर डालिए फिंगर पे बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन है 10 सेकेंड का ही। तो मैंने आज बता दिया आपको VBT थ्योरी पूरा बता दिया, बहुत सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करा दिया, और कितना हो गया मेरा 25, कितना करना है मुझे 50। नेक्स्ट क्लास कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं कुछ एक्सेप्शन बता दूंगा, एम्स का क्वेश्चन, IT एडवांस का बहुत सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास ख़त्म करूँगा मैं VBT, आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 स्टार्ट करिए, मेरे पास बुक है, ये बुक है आपके पास, है सबके पास है, आप सब लोगों के पास है, क्योंकि ये मैंने बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स और सॉलिड स्टेट एक साथ है, सॉलिड स्टेट बुक मैंने सबको दिया था। ये है लेक्चर 1, लेक्चर 1 में है 85 क्वेश्चन, और लेक्चर 2 है जिसमें 50 क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। एक क्लास और मैं लूँगा, एक क्लास नहीं 2 क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास 2 लेक्चर लूँगा, उसमें मैं कंप्लीट करूँगा PPT, सिर्फ प्रैक्टिस तो करना है, 50 करना था मुझे, और बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा तो और आगे भी मैं कर दूँगा। तो नेक्स्ट क्लास